नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक, सेक्स रोग तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ और आज हम बात करेंगे किन कारणों से स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। सबसे पहला जो कारण है वो है जेनेटिक फैक्टर्स, अनुवंशिकता। एक जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो जनरल पॉपुलेशन में जो सामान्य आबादी है उनमें होने के जो चांसेस है वह 1% है। 1% लोगों में यह स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। लेकिन अगर अनुवंशिकता है, घर में किसी को अगर स्किज़ोफ्रेनिया है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में स्किज़ोफ्रेनिया है, उदाहरण के तौर पे माता पिता, भाई बहन या संतान, इसमें से अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो स्किज़ोफ्रेनिया होने की जो संभावना है वो बच्चों में आपने वो बढ़ जाती है। जैसे कि अगर माता या पिता, इसमें से अगर किसी एक को स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया होने के जो चांसेस हैं वह 12% तक है। अगर माता पिता दोनों में अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया होने की जो संभावना है वह 40% तक है। और दूसरा यह भी देखा गया है कि अगर मातृ या पितृ वंश में किसी को भी स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, लेकिन अगर पिता की उम्र यह 60 साल से अगर अधिक है तो बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया होने की जो संभावना है वह बढ़ जाती है। यह हो गया जेनेटिक फैक्टर्स, अनुवंशिकता। फिर दूसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, उसमें फिर डोपामिन आता है। डोपामिन की जो गतिविधि है वह बहुत ज़्यादा बढ़ने से स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, ऐसा पाया गया है। उसमें अगर डोपामिन की गतिविधि जो है वह ज़्यादा बढ़ने से पॉजिटिव जो सिम्टम्स है वह ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वह है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ने से भी अपने मेंदू में, बर्ताव में जो है बदल दिखने को आते हैं और उससे भी मतलब जो पॉजिटिव और निगेटिव सिम्टम जो है स्किज़ोफ्रेनिया के वह बढ़ जाते हैं। फिर है गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड, और इसका जो लेवल है इस हिप्पोकैम्पस में वो लेवल बिगड़ जाता है और उस लेवल बिगड़ जाने से स्किज़ोफ्रेनिया के जो लक्षण है वो दिख सकते हैं। फिर एसिटिल कोलिन है, फिर निकोटीन है। तो इस तरह के बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनमें कुछ बदलाव, कम ज़्यादा उनकी लेवल होने से स्किज़ोफ्रेनिया जो है वह हो सकता है। फिर आता है न्यूरोपैथोलॉजी। 19वीं शताब्दी में जो न्यूरोपैथोलॉजिस्ट है, स्किज़ोफ्रेनिया में कुछ न्यूरोपैथोलॉजिकल कॉज है क्या, उसके कारण स्किज़ोफ्रेनिया होता है क्या, यह ढूंढने में जो न्यूरोपैथोलॉजिस्ट है वह विफल रहे और इसीलिए स्किज़ोफ्रेनिया को एक फंक्शनल डिसऑर्डर करके वर्गीकृत किया गया। लेकिन 20वीं सदी के अंत में यह देखा गया कि न्यूरोपैथोलॉजिकल और न्यूरोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, जैसे कि सेरेब्रल वेंट्रिकल्स। ऐसा पाया गया कि जो थर्ड वेंट्रिकल है, लैटरल वेंट्रिकल्स है, उनमें जो सीटी स्कैन है पेशेंट के, उसमें ऐसा देखा है कि एनलार्जमेंट हुई है और फिर जो कॉर्टिकल वॉल्यूम है वो भी कम हुआ है। फिर जब सिमेट्री की बात करते हैं, फिर जो मेंदू में कुछ एरिया जो है उसमें जो समरूपता है, वो सिमेट्री जो है वह नहीं देखी गई है, जैसे कि फिर फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ऑसिपिटल लोब्स है, इसमें जो सिमेट्री है वह कम हो गई, ऐसा देखा गया है। फिर एक महत्वपूर्ण जो यह है लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम हमें पता है कि हमारे जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करने का काम लिम्बिक सिस्टम करती है। फिर यह हाइपोथेसिस है, यह परिकल्पना की गई है कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट है उसमें जो भावनाएं हैं वह कहीं तो भी ख़त्म हो जाती है, कहीं तो भी गड़बड़ हो जाती है,
इसके कारण लिम्बिक सिस्टम जो है भावनाओं को कंट्रोल करती है, और वह भी स्किजोफ्रेनिया में इन्वॉल्व हो सकती है, उसका भी महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, यह एक परिकल्पना इसमें की गई है। फिर बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम। स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट्स में हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स कुछ ऑड मोमेंट्स, अजीब हरकतें दिखाई देती है, उनको कुछ दवा चालू नहीं, फिर भी कुछ ऑड मोमेंट्स इन पेशेंट में हमें दिखाई देती है। और जो मोमेंट्स है, मोमेंट्स को कंट्रोल करने का जो काम है, वह जैसे सेरेबेलम और बेसल गैंग्लिया यह करता है, और इसी के कारण जो है स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट, जैसे अजीब उनकी बहुत बार अजीब सी चाल रहती है या मुंह बनाना है, तो इस तरह के ऑड मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इन एरिया की भी इन्वॉल्वमेंट स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट में हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। फिर दूसरी जो बात है, जो बेसल गैंग्लिया से जुड़े हुए कुछ डिसऑर्डर्स है, जैसे कि हंटिंगटन्स डिसऑर्डर हो गया, फिर पार्किंसन डिसऑर्डर हो गया, तो इन बीमारियों में भी ऐसा देखा गया है कि आमतौर पर कुछ मानसिक लक्षण जो है वह इन पेशेंट में, इन मरीजों में कॉमन होते हैं। तो इन सब बातों से सेरेबेलम और बेसल गैंग्लिया दोनों की इन्वॉल्वमेंट स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट में हो सकती है, ऐसा एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है। अप्लाइड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, जो मेंदू का जो स्टडी किया गया है, जो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफिक जो स्टडी है, उसमें पाया गया है कि जो स्किजोफ्रेनिया के मरीज है उनका जो रिकॉर्ड है कहीं तो भी वह एबनॉर्मल है। उसमें जो अल्फा एक्टिविटीज़ जो है थी, वह गतिविधि जो है वह कम दिखाई दी है, तो थीटा और डेल्टा जो एक्टिविटीज़ है उसमें कहीं तो भी वृद्धि पाई गई, और बहुत सारे पेशेंट में जो एक्टिविटी है कहीं तो भी वह मिर्गी जैसी गतिविधि जो है वह देखने को मिली, और यह जो लेफ्ट साइड एबनॉर्मेलिटीज़ है वह तो मतलब ज़्यादा देखने को मिली है। आई मूवमेंट डिसफंक्शन, आँखों की असामान्य गतिविधियाँ। स्किजोफ्रेनिया के 50 से लेके 85% मरीजों में यह जो आँखों की असामान्य गतिविधियाँ जो है यह पाई गई है। और अगर हम स्किजोफ्रेनिया को छोड़ के बाकी जो मानसिक बीमारियाँ हैं उनकी अगर बात करते हैं, तो 25% मरीजों में यह एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स यह देखने को मिलती है। और अगर हम सामान्य आबादी की बात करते हैं तो 10% से भी कम लोगों में यह आई मूवमेंट डिसफंक्शन, यह जो असामान्य गतिविधियां है यह देखने को मिलती है। फिर है साइकोसोशियल साइको एनालिटिक थ्योरी। सिगमंड फ्रॉयड, इनका ऐसा मानना है कि स्किजोफ्रेनिया यह डेवलपमेंटल फिक्सेशन जो है उसमें डिफेक्ट आने के कारण ऐसा हो सकता है, और उस डिफेक्ट के कारण जो ईगो जो है वह अच्छे से डेवलप नहीं हो सकता, और उसके कारण जो है स्किजोफ्रेनिया यह हो सकता है। फिर जो शिशु और माता जो है उनमें एक अच्छे संबंध न रहने की वजह से भी स्किजोफ्रेनिया हो सकता है। फिर जो आपसी संबंध जो है वह खराब होने की वजह से भी स्किजोफ्रेनिया हो सकता है। फिर कुछ जो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उनका जो कहना है कि स्किजोफ्रेनिया के जो अलग अलग लक्षण्स है, तो हर एक मरीज में उसका एक अलग अर्थ हो सकता है। उदाहरण की तौर पे जैसे दुनिया ख़त्म होने का जो, अगर कोई मरीज बोलता है कि दुनिया ख़त्म हो जाएंगी, तो उसका संकेत ये भी रह सकता कि उसकी जो आंतरिक दुनिया है वह कहीं तो भी टूट गई है। कभी कभी जो हीनता की जो भावना है वह भव्यता और सर्वशक्तिमान होने का जो भ्रम है वह ले सकती है। इसी प्रकार सभी सिद्धांतों का यह मानना है कि स्किजोफ्रेनिया वाले व्यक्तियों में
मानव संबंधिता जो है, ह्यूमन रिलेटेड में जो है, यह भयावह हो सकती है। फिर आता है लर्निंग थियोरीज। इसमें बहुत बार बच्चे जो माता पिता है उनको इमिटेट करके, उनकी नकल करके जो कुछ भावनात्मक प्रतिक्रियाएं है वह वो दे सकते हैं। फिर दूसरा है, अगर सीखने के लिए अगर पुअर मॉडल है, कुछ ख़राब मॉडल अगर बचपन में अगर बच्चों को मिलता है तो उनके कारण भी स्किज़ोफ्रेनिया जो है वह विकसित हो सकता है, यह लर्निंग थियरी। फिर आता है फैमिली डायनामिक्स। और एक जो ब्रिटिश अध्ययन है जिनमें 4 साल के जो बच्चे हैं उनका एक अध्ययन किया गया था, और उस अध्ययन में ऐसा पाया गया है कि जिन बच्चों में माता और बच्चों के जो रिश्ते हैं वह ख़राब थे उनमें स्किज़ोफ्रेनिया होने के जो चांसेस है, जो संभावना थी, वह 6 गुना ज़्यादा थी। और फिर जो स्किज़ोफ्रेनिक माता है और उनके बच्चे अगर गोद लिए गए हैं जन्म के वक्त, और उनको एक अलग प्यार भरे वातावरण में अगर उनको पाला जाता है तो उनमें स्किज़ोफ्रेनिया होने की जो संभावना है वह कम होती है। लेकिन अगर वही उन्हें अगर एडवर्स सर्कमस्टांसेस में, अगर प्रतिकूल परिस्थिति में पाला जाता है तो उनमें स्किज़ोफ्रेनिया होने की जो संभावना है वह बढ़ जाती है। फिर दूसरा है डिसफंक्शनल फैमिलीज। अगर कुछ निष्क्रिय परिवार से अगर कोई आता है तो उनमें भी स्किज़ोफ्रेनिया होने की जो संभावना है वह बढ़ जाती है। फिर पैथोलॉजिकल फैमिली बिहेवियर। अगर पारिवारिक व्यवहार जो है यह पैथोलॉजिकल है तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार स्ट्रेस बढ़ जाता है, जो तनाव जो है वह बढ़ने से भी स्किज़ोफ्रेनिया जो है वह बढ़ने की संभावना जो है वह बढ़ती है। डबल बाइंड कंसेप्ट, इसमें बच्चों के जो व्यवहार है, फिर भावनाएं हैं, फिर जो दृष्टिकोण है उसके बारे में माता पिता से जो संकेत है वह एक दोहरे संकेत उनको मिलते हैं, परस्पर विरोधी संकेत उनको मिलते हैं, और जिससे बचने के लिए वह एक तीव्र अवस्था में चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पे माता पिता बच्चों को बोलते हैं कि आप आपके दोस्तों को कुकीज़ दो, और बहुत ज़्यादा कुकीज़ देने पर उनको दंडित भी करते हैं। फिर आता है स्कीजम्स एंड स्क्यूड फैमिलीज। स्कीजम्स में क्या होता है कि जो एक पेरेंट है उसके ही जेंडर का जो बच्चा है उससे वह ज़्यादा क्लोज रहेगा। उदाहरण के तौर पे अगर पिता है तो वह लड़के से ज़्यादा क्लोज रहेंगे, अगर माता है तो वह लड़की से ज़्यादा क्लोज रहेंगे। फिर आता है स्क्यूड फैमिलीज। उसमें क्या होता है कि एक माता और पिता दोनों में एक पावर स्ट्रगल रहता है बच्चों को लेके, और फिर वो स्ट्रगल के कारण माता या पिता दोनों में से किसी का एक डोमिनेंस रहता है, और वो डोमिनेंस बच्चों के ऊपर ज़्यादा वह असर कर देता है। एक्सप्रेस इमोशंस, व्यक्त की गई भावना। बहुत बार जो रिलेटिव्स हैं या फिर कोई अगर केयर टेकर है तो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में क्या होता है कि वह उनकी बहुत बार खुली आलोचना करते हैं या उनके साथ शत्रुता जैसा व्यवहार करते हैं, या कभी कभी उनकी बहुत ही ज़्यादा और इन्वॉल्वमेंट उस मरीज के साथ रहती है, ज़्यादा केयरिंग उनकी हो जाती है। अगर इस तरह के इमोशंस, एक्सप्रेस इमोशंस है, इस तरह की अगर भावना है तो उसके कारण स्किज़ोफ्रेनिया का जो रिलैप्स रेट है, जो स्किज़ोफ्रेनिया की पुनरावृत्ति दर जो है वह बढ़ जाती है। फिर एक्सप्रेस इमोशंस में आपने क्या कहा है और किस ढंग से कहा है यह सब महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो कॉजेस है, किन कारणों से स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, यह आपको बताने में हम सफल हुए होंगे। और इसी तरह से मानसिक बीमारियों को लेकर नई नई जानकारियाँ हम आपके पास पहुँचाते रहेंगे।
बस आपको इतना करना है कि जो हमारी वीडियोस है उनको आपको लाइक करना है, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।